नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना अगला लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर। क्लास है 9th और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, लेकिन हम इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेबल तो हम सभी यूज़ करते हैं, घर में हमारे आते हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या है इसको जानते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं हमारा सत्र। हमारे साथ जो हमारी मेहमान है वो स्टूडियो में मौजूद है। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रभा उनियाल जी का। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एससीईआरटी दिल्ली में। प्रभा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पहले तो आज ये अपना हरा भरा सेशन देखकर, जिसमें इतने सारे प्रॉप्स मुझे लग रहा है नेचुरली आप इतने लेकर आई हैं, आपके पास उतनी ही बुक्स भी हैं, तो आज और समय मुझे लग रहा है कि संभवतः कम पढ़ने वाला है। जल्दी जल्दी शुरू क्या पढ़ने वाले हैं तो ठीक है। सबसे पहले तो आप कलम उठाइए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी कलम लाकर मुझे दी है और इसके लिए दवात भी है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कागज कलम दवात जी 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 K3 आज मेरे पास हो गया है। ये मेरा कलम है और ये मेरी दवात है और ये कागज है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। जी जी देखिए, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है कलम चलाने में मुझे, और ऐसा जान पड़ता है कि ये जब पुराने ज़माने में इस प्रकार की कलम का प्रयोग होता होगा तो लोगों की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होती होगी। जो पांडुलिपियां हमें इतिहास में दर्ज पन्नों से मिली हैं बिल्कुल, वो कितनी अच्छी लिखी गई होंगी। बिल्कुल, हालांकि मेरा तो ऐसा लग रहा है असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है, लेकिन ये अच्छा लिखा है मैंने, क्योंकि लुप्त होती जा रही है तो हमें लगा कि ये मैंने एनसीईआरटी लिखने का प्रयास किया है इस कलम से। बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, ये कलम मेरे हाथ में है और ये एनसीईआरटी वो संस्थान जो ये सारे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है विभिन्न विभिन्न कक्षाओं के। तो प्रभा जी जल्दी से आप बताइए अब मैं क्या। अब आपने जो ये कलम आपके हाथ में है, हम आपसे बस पहला सवाल आपसे ही करते हैं जी। आप ये बताइए ये कलम किस चीज की बनी हुई है? ये लकड़ी की है और ये संभवतः बैम्बू की लकड़ी है। बिल्कुल 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 सही, एकदम बेहतर, आपने बहुत जी इसको अच्छे से पहचान लिया है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ये जो बैम्बू है, वेजिटेशन तो आपने पढ़ा ही होगा अपने स्कूल लाइफ में कि हमारे यहाँ जो वेजिटेशन है अलग अलग तरह की है। कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं और वो प्राकृतिक वनस्पति तो हमारे भारत में भरपूर है, और हमारा एक जो डाइवर्स है बायोडाइवर्सिटी है, नेचुरल वेजिटेशन है। तो हम ये जानना चाहते हैं क्विकली आपसे कि आप ये बताएं कि ये जो बैम्बू है ये कौन सा टाइप है वेजिटेशन का, जो टाइप वेजिटेशन है? जी 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 जी, ये तो बता पाना मुझे लग रहा है कि पहला ही सवाल से याद करिए, मुझे ऑप्शंस यहाँ पर चाहिए होंगे। अच्छा, ऑप्शंस चाहिए होंगे। ओके, आप याद करिए, ट्रॉपिकल पढ़ा होगा आपने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़े होंगे, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट पढ़े होंगे, थॉर्नी पड़े होंगे, माउंटेन पड़ा होगा। ये सेकंड वाला था, ये फॉरेस्ट जो था सेकंड वाला। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कहाँ कहाँ मिलता है ये इसका जो टाइप है वो थोड़ा सा आपने बोला, ये इसको हम जो कैटेगरी है एवरग्रीन वाले में रखते हैं। अच्छा, तो आइए अब चलते हैं कि एवरग्रीन, क्योंकि देखिए अब ये एक डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा होगा वो अब हम कुछ सालों के बाद वो छूटता जाता है, तो हमें लगता है कि अब हमारे जो ये बच्चे हैं हमारे सामने उनको ऐसा ना हो, और हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, और ये तो हमारे चारों तरफ वनस्पति है, उस वनस्पति को हम देखें, ऑब्जर्व करें और उसके साथ काम करें। तो चलिए हम आपके साथ शुरुआत करते हैं इस नए सफर की, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं उनके घर के आसपास भी बहुत सारी वनस्पति होगी, पार्क में होगी, वो अब स्कूल भी खुल गए हैं कुछ बच्चों के, तो वो स्कूल भी जाते होंगे, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो स्कूल घर से स्कूल जाते हुए रास्ते में उनको जो जो पेड़ मिलते हैं ना, उन पेड़ों को जरा ढूंढें कि कौन कौन से पेड़ है। आप याद कीजिए, आप आए एनसीईआरटी आए घर से, कितने पेड़ों को पहचानते थे आप रास्ते के? मुझे पीपल का पेड़ दिखाई दिया था, फ्लाईओवर के पास दिखाई दिया मुझे, काफी ऊंचा था, बड़ा था, राइट, उसको तो मैंने पहचान लिया। ओके, और उसके अलावा मुझे नीम का पेड़ भी दिखाई दिया। ओके, नीम का पेड़ तो सर्वग्राही है, मुझे लगता है जो जड़ी बूटी है वो पेड़ ही जड़ी बूटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा मैं
बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, आपके भी हाँ, देख लेते हैं कि आप तो क्या-क्या exactly नहीं, हम आपसे यही निकालना चाह रहे थे। हमारे साथ होता ही है कि हम आते हैं, हमें रास्ते में बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं पेड़ों से हमारी पहचान होती है जिनकी बातचीत हमारे घर पर होती है या जिनका उपयोग हम आम बोलचाल में करते हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा विस्तार दें, ठीक है, और वो हमें सब्जेक्ट के द्वारा ही मिलेगा और ज्योग्राफी तो पूरा ही पूरा इसका स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब हमारे सामने जो है, जो अब आपके सामने हम एक तस्वीर आ रही है, आप देख पा रहे हैं सर? अब इस तस्वीर में देखिए कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, क्या विशेषताएं हैं इस जंगल की। जंगल की विशेषता ये है कि ये एक तो समुद्री इलाके के पास है। अच्छा, आपको लग रहा है समुद्री इलाके के पास है, ठीक है। ग्रीनरी यहाँ पर जो यहाँ है बिल्कुल, वो संभवतः गीली बहुत ज्यादा है जी, यानी कि यहाँ पर बारिश के भी आसार ज्यादा रहते होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये किसी कोस्टल एरिया के नजदीक में है क्योंकि यहाँ पर पानी का ज्यादा मुझे लग रहा है कि असर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने काफी कुछ ठीक पहचान लिया जी राहुल जी, थैंक यू। तो ये जो वनस्पति है हमारी, ये वनस्पति है हमारे सदाबहार वन। तो बच्चों चलिए, हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बच्चों चलिए थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। हमारे यहाँ आपने अपने, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में आपने बहुत सारे वृक्ष और झाड़ियाँ देखी है, जिसमें आपको पता है कि हमारा देश भारत 12वें जो 12 बड़े देश हैं जैव विविधता वाले, उन देशों में से एक है। और लगभग यहाँ पर हमें 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे मिलते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा स्थान है विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में हम 4थे स्थान पर आते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे फूल भी होते हैं, लगभग आप जानते हैं 15,000 के करीब फूल हमारे यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं जी। तो नेचुरल वेजिटेशन हम उसे बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। इसका यह अर्थ है कि वनस्पति का वो भाग जो मनुष्य की बिना किसी सहायता के अपने आप ही पैदा होता है और एक लंबे समय तक उस पर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं होता, जिसे वर्जिन वेजिटेशन हम कहते हैं या अक्षत वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि वो वनस्पति जो मूल रूप से हमारे यहाँ, जैसे अभी आपने कहा कि आपने पीपल का पेड़ देखा, मूल रूप से हमारे यहाँ, तो आप उसको पहचान भी रहे हैं। दूसरा, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो भारत से बाहर से आए हुए हैं, तो उन पौधों को हम बोलते हैं विदेशज पौधे। विदेशज जी जी। तो ये जो पौधे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कोई अगर आपके ध्यान में आ रहा हो कि कौन सा पौधा ऐसा जो भारत का नहीं है लेकिन अब उसका हमारा जंगल जंगल बन गया है। बोनसाई। थोड़ा हम आपको क्लू देते हैं, आप घूमने जाते होंगे, मनाली जाते होंगे, शिमला जाते होंगे। चीड़ के वृक्ष। यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट, बिल्कुल। हम क्योंकि ये बिल्कुल एक याद है, मुझे लग रहा है बच्चों की भी रहती है, वो जब कभी हिल स्टेशन जाते हैं तो उनका एक अट्रैक्शन रहता है कि चीड़ के वृक्ष हमको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल, और वो जो एक दृश्य होता है वो उसमें फिल्मी कल्पना वहाँ पर होती है, वो साकार होती है। बिल्कुल, इसलिए मुझे भी मेरे ज़हन में था। लेकिन ये हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, इसे अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ पर यूरोपियंस आए थे और उनका पर्पस ही ट्रेडिंग कंपनी थी, तो यहाँ पर ट्रेड करना था, तो वो यहाँ पर उस पौधे को वहाँ से लेकर के आए थे और कमर्शियल यूज के लिए। अच्छा, कमर्शियल यूज के लिए भी हमने देखा कि यहाँ पर जब रेलवे आया था तो रेलवे के लिए हमारे कितने सारे पौधों को, जो जंगल की वनस्पति है, बिल्कुल, उसका ह्रास हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत सारे जो हमारा इस वनस्पति के साथ जो कंसर्न्स हैं वो भी उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस ट्रैक जो बनता था रेलवे का, उसके जो फो होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, स्लीपर्स, हाँ, स्लीपर्स वो लकड़ी के ही बनते थे, उसके लिए बहुत सारा भी हम आगे देखेंगे, इसको कुछ फैक्ट्स भी हमारे पास होंगे तो एक्सप्लोर करेंगे वहां पर। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इस वनस्पति की जो हमारे हमारे सामने है, तो आपने एकदम सही बताना, ये पहचाना, ये जो वनस्पति है ये सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मानचित्र में, जिस मानचित्र में आपको दिख रहा है कि हमारा वेस्टर्न घाट है जहाँ पर बारिश बहुत होती है जी। इसमें हमारे केरला है, कर्नाटका है, और वेस्टर्न घाट जो हमारा पूरा है उस एरिया पर हमें ये ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा ये हमें ईस्टर्न पार्ट पर भी ये वनस्पति मिलती है, और साथ में अगर हम इसको देखें ऊपर का जो हमारा हिस्सा है हिमालयन वनस्पति, हिमालयन वनस्पति में भी हमें इस तरह के वृक्ष कई जगह मिलते हैं। अब ये जो वृक्ष होते हैं इनकी मैं एक विशेषता आपको बताती हूँ, खास विशेषता क्या है इन वृक्ष की। जो विशेषता है कि यहाँ पर जो हमें वृक्ष मिलते हैं ये चौड़े पत्ते वाले होते हैं। अरे वाह, चौड़े पत्ते होते हैं इनके, ये बड़ी खूबसूरत। अब आप सोचिए कि चौड़े पत्ते जो हैं ये वहाँ पर क्यों होते होंगे, इस एरिया में क्या होता है ऐसा?
वहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट अनुकूल, बिल्कुल 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 एकदम सही पहचाना राहुल जी, कि वहाँ पर जो वहाँ की क्लाइमेट है बिल्कुल इनके अनुरूप होती है, क्योंकि उसमें तापमान ज़्यादा होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है फिर, और इनकी एक खास विशेषता होती है कि इनके जो ये पत्ते होते हैं यहाँ पे जो बारिश है ना वो इन पर रुकती नहीं है जी, वो गिर जाती है बिल्कुल। अब वो भी देखिए ना नेचर में कितनी खूबसूरत चीज़ें, अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट करके देखें चीज़ों को जी, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर इसके ऊपर बारिश रुक जाएगी तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि इसके ऊपर बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पर मतलब कुदरत ने अपने आप ही वो पूरा साइकिल इकोसिस्टम हमारा इस तरह से बना हुआ है, बस हमें उसको एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल। तो बच्चों आप जहाँ भी जाएं हम आपको बोलेंगे कहीं घूमने जाएं या घर के आसपास देखें तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखिए और इसमें ढूंढिए कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे जी। इसके पीछे का रीजन हम जानेंगे तो हमें, अब हम आपको थोड़ा सा इन वनों की संरचना बताते हैं कि ये जो हम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा था अभी जो वन दिख रहे थे उसके सबसे नीचे जो होता है हमारा ये ग्राउंड लेयर जो होती है उस पर हमें छोटी छोटी बुशेस दिखती हैं इस तरह की, ठीक है। फिर इसके बाद हम जाते हैं तो कुछ श्रब्स लेयर आता है, फिर यहाँ पर जो है यंग ट्रीज नजर आते हैं जिनकी लंबाई जो है 20 मीटर होती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में ये पेज नंबर आपको पेज नंबर 44 पर इस तरह का डायग्राम मिलेगा, ठीक है। उस डायग्राम को आप देखें और फिर इस तरह के आप खुद भी बहुत खूबसूरत सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद फिर आपको कैनोपीज मिलती हैं, एक उसका लेयर मिलता है जिसमें 40 मीटर्स के होते हैं ये। इसके ऊपर हम जाते हैं, देखिए ये इस तरह से बड़े छतरी नुमा जो पेड़ होता है, ये छतरी नुमा पेड़ आपको नज़र आता है, ठीक है। जिसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरग्रीन, जो लास्ट का लेयर होता है इसमें 60 मीटर तक की ऊँचाई वाले ये पौधे मिलते हैं। तो इस तरह से हम क्लासरूम में ये मज़ेदार एक्टिविटी भी कर सकते हैं और साथ साथ इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि यहाँ के जो पौधे होते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई इतनी है और घने जंगल बहुत हैं ये, तो इन घने जंगलों के लिए जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, ये हमारे पास घने जंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह के ये क्रीपर्स होते हैं जैसे इसके आसपास ही लपेटे हुए होते हैं पेड़ के आसपास, तो ये लताएं जो होती है इनके आसपास लिपटी हुई होती है, तो ये इन वनों की विशेषताएं। बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रकार की जो हमारी वनस्पति है, दूसरे प्रकार की हमारी वनस्पति है पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन जो हमें यहाँ पर मिलते हैं भारत में, अच्छा इससे पहले हम आपको इन जो भी हमने पत्तियों की बात की एक बार इसे भी देख लेते हैं, आप थोड़ा सा देख के बताइए इसको पढ़ के। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी फाइंड दीज ट्रीज? यस, एबोनी कहाँ मिलता है, रबर, रोजवुड जी, एबोनी जी, सिनकोना, सिनहोना हाँ, एंड महोगनी हाँ, ओके। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कहीं देखे हैं आपने कहाँ कहाँ मिलते हैं? रोजवुड, रबर जी, तो ये तो मुझे लग रहा है आज मेरा जनरल नॉलेज का भी टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस में जी, वैसे जी। मेरे पास कुछ है ऐसे पत्ते जी, मुझे जी, ऐसा जी। लग रहा है जान पड़ रहा है मुझे जी जी जी, तो हम पहले वो देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए बहुत ही आकर्षक, ये हमारे पास है ये जो है रबड़ का। हाँ, अच्छी बात है जी जी, ये रबड़ का हमारे पास है जो, क्योंकि हम घर पे रबड़ प्लांट लगाते भी हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता इनमें। अच्छा, इसमें मजेदार बात एक बार बताती हूँ आपको कि ये जो रबड़ है जो बच्चे मिटोते हैं यूज करते हैं, वो रबड़ जानते हैं बच्चों कैसे बनता है? आप इसमें से दिखाएं, ये देखिए इसमें से एक सफेद सा द्रव्य निकल रहा है जो आप देख रहे होंगे, ये जो द्रव्य होता है बाद में, अभी तो ये पौधा क्योंकि छोटा है लेकिन जब ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और इसका बहुत मोटा तना हो जाएगा तो उस मोटे तने को छील करके यहाँ पे एक बकेट लगा दी जाती है और यहाँ से ये द्रव्य निकलता है और इस द्रव्य से रबड़ बनाया जाता है जो आप डेली इस्तेमाल करते हो, ठीक है जी जी। लेकिन ये अभी तक नहीं पता लगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, ये पता नहीं लगा सवाल अभी तक जो है अधूरा ही रह गया जो मुझसे पूछा। तो ये हमने आपको पहले बताया था ये सभी हमें मिलते हैं जो ये आप मानचित्र में देख रहे हैं ना जी, इन स्थानों पर हमें मिलते हैं। अच्छा, और ये भी सदाबहार वन में पाए जाते हैं, यानी कि मेरे पहले वाले सवाल के आसपास ही रहा ये। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हिमालय में भी पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एक मजेदार बात हम आपको और बताना चाह रहे हैं, फिर से हम आपसे एक सवाल करने वाले कि रोजवुड जो है वो उसको हमने रोजवुड नाम क्यों दिया होगा इस पेड़ को? हो सकता है कि जो गुलाब का फूल होता है उसका जो तना होता है उसको ही एक्सट्रैक्ट किया जाता हो उसके लिए। अच्छा, कुछ कुछ आप नज़दीक पहुंच रहे हैं लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो रोजवुड का पेड़ होता है जब उसकी छाल को काटा जाता है तो वो
इस तरह से होता है कि पहले तो उसमें उसके कॉर्नर्स पे हमें ऐसे नजर आता है इसी कलर का, पर अंदर अगर आप उसको और ज्यादा जाते हैं तो रोज के कलर का वो छाल होता है। ठीक है, कुदरत में मतलब अपने आप से ये रंग हमें दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको रोज वुड बोलते हैं जी। इसलिए इस पेड़ का नाम देखिए रोज वुड रख दिया गया। तो ये कितनी मजेदार बात है ना कि जिसने इसको खोजा होगा जी, इस पेड़ को खोजा होगा और उसका नाम रखा होगा, तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो बच्चों हम आपसे भी चाहते हैं कि आपके बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके नाम आपको पता नहीं है, लेकिन आप उस पेड़ के करेक्टरिस्टिक्स को देखिए और चीजों को देखिए और आप उसको एक नया नाम भी दे सकते हैं, आप भी खोजी हो सकते हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल जी जी जी। तो हम आगे, बहुत अच्छा केस था ये मुझे लग रहा है, और ये बहुत मेहनत से बनाया गया होगा जी, और ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि हमारा एनवायरमेंट भी जो है सुरक्षित रहे। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है। अब हम दूसरे प्रकार के वनों में आते हैं जो हमारे पर्णपाती वन है, जिन्हें हम पर्णपाती वन बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की विशेषताएं ये होती हैं कि ये जहाँ पर हमारा टेम्परेचर अगर हम एनुअल भी देखें 200 से 100 सेंटीमीटर होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस। तो मॉइस्ट डेसिडियस जो हमें मिलते हैं वो 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहते हैं, और ड्राई वाले 70 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच की जो बारिश होती है उसमें हमें मिलते हैं। अब इनकी विशेषता ये है कि ये अपने पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे इसका हिंदी में नाम है कि पर्णपाती, तो ये इनकी पत्तियां गिर जाती हैं है। और ये 6 से 8 महीने तक होता है, जब समर सीजन होता है तो 6 से 8 महीने के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पत्तियां गिरी हुई दिख रही हैं, और इसमें ये देख रहे हैं आप ये येलो सा, क्योंकि ये पत्ती, ये पत्ती गिरने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं हमारे जो, ये आप देखिए यहाँ पर आपके सामने ये चित्र आ रहा है, आप पहचानिए कौन कौन से ये राज्य हो सकते हैं। राहुल जी, दक्षिण भारत है, मध्य भारत है, हाँ, और थोड़ा सा संभवतः पूर्वोत्तर का भी हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमारे वेस्टर्न, अगर हम इसमें वेस्टर्न कोस्ट भी है। जी जी जी। तो वनों को अगर हम देखें कि एरिया, तो एरिया में हमें ये सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं जी, कि हमारे देश में ज्यादातर यही इसी प्रकार की वनस्पति हमें मिलती है। इसीलिए आपने जो हमें बोला अभी पीपल, नीम, क्योंकि ये हमें आसपास दिखते हैं। बिल्कुल, अर्जुन, साल, ठीक, शीशम, और ये अभी हमारे आसपास हैं, हम जहाँ रह रहे हैं नदनबाट में, तो यहाँ पर हमें इस तरह के वृक्ष बहुत सारे नजर आते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली वनस्पति पर। अगली वनस्पति है हमारी जिसमें आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है मेरे पास कुछ सैंपल है, अब इस सैंपल को देख के पहचानिए पहले ये कौन सी वनस्पति का प्रकार हो सकता है। इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इसमें कुछ यहाँ देखिए थॉर्न, थॉर्न दिखाई दे रहे हैं। यस यस, तो यानी कि ये थॉर्न फॉरेस्ट हो सकता है। यस, पाया जाने वाला। परफेक्टली परफेक्टली आपने एकदम सही पहचाना कि अब हमारा जो ये तीसरी वनस्पति का प्रकार है ये थॉर्न फॉरेस्ट है, जिसमें कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें, क्योंकि बारिश कम होती है और बारिश कम होने की वजह से जो वनस्पति है वो वनस्पति हमारे लिए, जैसे हमने सदाबहार वन या पर्णपाती वन में देखा वैसी वनस्पति यहाँ पर नहीं हो पाती है, तो बुशेज में हमें नजर आती है कि झाड़ियों के रूप में दिखती है, और झाड़ियों के बाद यहाँ पर जो आप देखेंगे कैक्टस देखेंगे या और कोई देखेंगे, तो उनका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, हाँ, ताकि वाष्पीकरण ना हो सके। तो यहाँ की वनस्पति की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें वाष्पीकरण ना हो सके, और उनकी जो जड़ें होती है, जैसे बबूल का पेड़ है और यहाँ के जो पेड़ मिलते हैं कीकर का पेड़ है, तो उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है ताकि वो वहाँ से पानी ले सकें, तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है प्रभा जी, हमें तेजी से बढ़ना होगा, हमारे पास सिर्फ 3 या 4 मिनट का समय। ओके ओके, तो अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा विजिटेशन टाइप है वो है माउंटेन का। तो माउंटेन में अब हमें जो मिलता है, अब माउंटेन का एक थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है कि जैसे यहाँ पर हमें ये जो हमने वनस्पति प्रकार की जो बात की ना, वो सारी वनस्पतियाँ मिलती हैं हमें यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमें सदाबहार वन भी मिल रहे हैं, पर्णपाती वन भी मिल रहे हैं साथ में, और हमें जो यहाँ की वनस्पति है जैसे कोनीफेरस जिसकी आपने बात की, कोनीफेरस वेजिटेशन भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, और अल्पाइन भी मिल रहा है, और टुंड्रा टाइप भी मिल रहे हैं। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं बच्चों,
कि यहाँ पर ये देखिए साल बैम्बू मिलता है। अगर आप कभी गए हैं पहाड़ी स्थानों पर, ऋषिकेश के आसपास गए हैं, तो वहाँ आपको इस तरह की वनस्पति मिलेगी ऋषिकेश से ऊपर जाने के बाद। फिर आप थोड़ा 1300 मीटर की ऊंचाई तक अगर आप पहुँच जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पर आपको फिर पर्णपाती वन थोड़े नजर आने शुरू होते हैं। फिर 1300 से लेकर के 2700 मीटर तक फिर आपको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको सिट्रस फूड मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एक नींबू भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये वॉलनट भी मिलता है, देवदार भी मिलता है, कुछ फर्न भी मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें जो टुंड्रा अल्पाइन जो वेजिटेशन है, बहुत सारे आपने सुना होगा फूलों की घाटी, जी जी, तो वहाँ पर हाँ तो वो इसी बेल्ट में, फिर यहाँ से वो बेल्ट शुरू हो जाता है। फिर उसके ऊपर जहाँ हम देखते हैं कि कोल्ड डेजर्ट है, यानी वहाँ पर हमें कोई वनस्पति नहीं मिलती, लाइकेंस वगैरह मिलते हैं, तो टुंड्रा टाइप वाला जो वनस्पति का हिस्सा है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं हिमालयन क्षेत्र में। तो हिमालय में हम बेसिकली तीन भाग हैं हमारे, जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय में हमें टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन मिलता है, मिडिल हिमालय में हमें कोनिफेरस का मिलता है, और शिवालिक में हमें ये पर्णपाती वन और सदाबहार वन मिलते हैं फुटहिल्स पर। तो ये तो हमारा वनस्पति था। और अब हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक सवाल है मेरा, ये आपके पास एक डमरू है, जल्दी से बताइए, इसको बजाइए पहले, तो बज रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी आवाज, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आवाज आ रही है। तो किससे बना है, आप ये बताइए किससे बनाई है? ये तो संभवतः लकड़ी, कौन सी लकड़ी हो सकती है, लेकिन ये इसकी मजबूती बता रही है कि शीशम हो सकता है। यस परफेक्टली, और शीशम कौन से प्रकार का है, वनस्पति प्रकार है, ये भी हमें बता दीजिए जल्दी से। शीशम भी एवरग्रीन में ही आता है, थोड़ा सा नेक्स्ट वाला जो था पर्णपाती वन में पाया जाएगा। जी। थैंक यू। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी वनस्पति है, बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आपको इसमें देख रहा होगा, डेल्टा है ये, जी, लेकर आई है, जी। अब इसमें देखिए आप, ये डेल्टा वाला आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट दिख रहे हैं जी। तो माउंटेन फॉरेस्ट तो हमने बात कर ली, थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में भी बात हो गई, अब मैंग्रोव में आप देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पानी में इसकी जड़ें होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ये आप देखिए, हाथ खुद से आप इसको देखिए, क्या है ये, क्या आपको लग रहा है ये? बिल्कुल इसमें पानी है नीचे, मुझे लग रहा है इसमें, और इसी वजह से शायद ये ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बैम्बू का है, और ये मैंग्रोव में इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, फॉर्मेट है, बिल्कुल। तो ये जो जड़े हैं ऐसे आप लोगों की क्लास ऐसी ही प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार होने के साथ साथ समझ में भी आ रहा है कि ज्योग्राफी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ओके प्रभा जी, ये सब आपने जो वनस्पतियों के प्रकार और वनों के प्रकार आपने यहाँ पर बताए, जी, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन का ये चैप्टर आपने शुरू किया, इसे कंक्लूड करना होगा, अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, तो वो कंक्लूड कैसे करेंगे आप, क्योंकि इतना सारा आपने जो सामान दिखाया बच्चों को, जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन की बात है यहाँ पर, और ये सीखना जरूरी है, दोनों में सब में फर्क करना जरूरी है, इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? बस इसमें हम आप बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे भारत में जो वनस्पति है वो हमारे पास 5 प्रकार की वनस्पति आ रही है, उस वनस्पति में हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है, और उष्णकटिबंधीय कटिले वन है, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाए जी। तो इसी के साथ हमें लग रहा है कि समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, समाप्ति की ओर हो चुका है, समय समाप्ति की घोषणा मुझे करनी होगी। मुझे लगता है कि यदि हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा ना हो पाया हो तो हम इसका भाग दो करें, देख या सकते इसको हैं, कंक्लूड कर सकते, ये तो कंक्लूड कर सकते हैं, इसको ठीक है, इसे हम कंक्लूड मानते हैं, लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिकल आपको, आप जिस रीजन में रहते हैं वहीं पर करने का प्रयास कीजिए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको चीजें समझ में आएंगी, और फिर जब आप ट्रैवल करेंगे, जब हम सब ट्रैवल कर सकते होंगे, तब हम सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आप अभी अपनी क्लास 9th की पढ़ाई ऐसे ही करिए, और संभवतः ऐसा प्रैक्टिकल करने का कोशिश कीजिए। प्रभा जी, आप यहाँ तक आए, इतना ढेर सारा आपने हमारे लिए वनस्पतियां लाए समझाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। हमारा ये सोशल साइंस का सेशन यही समाप्त होता है, हम कहीं मत जाइएगा आप, हम थोड़ी ही देर में अभी हाजिर होते हैं वेबिनार लेकर, जिसमें बात करते हैं ICT टूल्स की, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए PME विद्या चैनल्स। नमस्कार।